भाई साहब 2 दिन और बड़े मियां छोटे मियां का ट्रेलर हमें मिल जाएगा, यानी 26 मार्च को ये ट्रेलर मिल जाएगा। और ये मूवी 1000 करोड़, ये बिग एक्शन पैक्ड मूवी 1000 करोड़ का मामला ठोक कर जाएगी, बिग क्वेश्चन मार्क, क्या वाकई में ठोक के जाएगी नहीं जाएगी, क्योंकि जो अभी परिस्थिति चल रही है इस मूवी के साथ में वो किस हद तक सफलता का झंडा फहराती है, परचम फहराती है, आगे जाके उस पर ही बात करेंगे। मेकर्स जो है इस बार पास्ट से क्या सीखा है उन्होंने, और मेकर्स इस समय कितना एफर्ट मार रहे हैं, डाई हार्ट फैन कितना एफर्ट मार रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है अपने फेवरेट सुपरस्टार को ऊपर ज़्यादा बढ़ाने में। अभी सारी चीज़ों पर बात करेंगे, एक एक करके एनालाइज करेंगे, लेयर बाय लेयर ब्रेक डाउन करेंगे कि भाई साहब इसमें और इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है, क्योंकि अभी जो चल रहा है फाइन है, इनफ है, दमदार है उनकी तरफ से एफर्ट, तो सारी चीज़ों पर बात करेंगे। उससे पहले वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लेकिन भाई साहब सपोर्ट की बहुत कमी है, अगर जरा भी आपको चीज़ें पसंद आती हैं तो जरूर एक लाइक के साथ अपना सपोर्ट जरूर बना के चलना। शुरुआत करते हैं भाई साहब बड़ी मियां छोटे मियां मोस्ट मच अवेटेड मूवी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की, भाई साहब बिग एक्शन पैक्ड मूवी है, क्योंकि दो ऐसे दिग्गज नाम है जहां पर एक्शन का नाम आता है तो इनका नाम कहीं पर भी लिस्ट में पीछे नहीं छूटता है, नंबर वन तो नहीं कहूंगा लेकिन टॉप फाइव में जरूर आते हैं। एक जो है 90s के टाइम से अपनी लेगेसी को बरकरार रख के चला है अक्षय कुमार, एवरीवन नोज, एंड दूसरा जो है इस टाइम मॉडर्न जमाने में अपना बागी अपना टाइगर श्रॉफ जो एक्शन में कहीं पर भी कहीं से कहीं तक पीछे नहीं हटता है। 2 दिन बाद यानी 26 मार्च को हमें ट्रेलर देखने को मिल जाएगा, और ऐसी जो बड़ी मूवीज आती हैं उनकी टाइमिंग क्या हो सकती है, भाई साहब ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बस ये है प्रिडिक्शन है, इमेजिनेशन है कि आफ्टर 10 o'clock यानी सुबह 10 बजे के बाद या 11 बजे के आसपास कभी भी हमको ट्रेलर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक फाइन टाइम होता है। भाई पूजा एंटरटेनमेंट हाउस इस बार फुल एक्टिव चल रहा है, मेकर्स अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं कर रहे हैं, फुल एफर्ट मार रहे हैं। अभी प्री टीजर इन्होंने रिलीज किया था अपने ट्रेलर को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए कल को, और जबरदस्त डायलॉग बाजी थी जिसमें बहुत सा पार्ट जो है पृथ्वीराज सुकुमारन का दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन भाई काबिले तारीफ है, क्योंकि हमने ऐसा देखा नहीं था, पूजा एंटरटेनमेंट हाउस को हम इतना एफर्ट मारते देखे नहीं थे। भाई पास्ट एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो इसने बहुत कुछ सीखा है वहां से, लाइक गणपत मूवी आई थी उससे पहले मिशन रानीगंज मूवी आई थी, कोई भी अच्छे से प्रमोशन उन्होंने नहीं किया था और रिजल्ट उनके हाथ में है, दोनों मूवी उतना अच्छा कमाई नहीं करके गई, गणपत तो बहुत रद्दी बहुत बुरी तरीके से पिट के गई थी, तो इस बार ये चीज़ बड़ी अच्छी देखने को मिली कि मेकर्स अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रमोशनल इवेंट चलाए जा रहे हैं जहां पर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, और यस ये मूवी पोटेंशियल भी रखती है कि भाई साहब ठीक है 1000 करोड़ एक बार के लिए बड़ा नंबर है, लेकिन 500 करोड़ तो ये ईजिली ठोंक सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब का बजट है, जिस हिसाब का नाम जुड़ा है, और एक्शन किंग अपना हैं ये दोनों, दूसरा जो एक्शन डायरेक्टर किंग है अली अब्बास जफर, भाई बड़े बड़े नाम इस मूवी के साथ जुड़े हैं, तो नो डाउट ये मूवी 500 करोड़ ठोकने का फुल पोटेंशियल लगती है। दूसरा सपोर्ट नहीं देखने को मिल रहा है भाई साहब ऑडियंस की तरफ से, पब्लिक की तरफ से, मैं डाई हार्ट फैन की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी तो गिनती मत करो, वो तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, और उनका कोई नंबर कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं होता है, बस छोटा मोटा नंबर होता है और वो फुल सपोर्ट करते हैं, उनकी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ न्यूट्रल ऑडियंस की, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई कौन सी मूवी आ रही है कौन सी नहीं आ रही है, लेकिन एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है, जैसे हम बहुत बार पिछले साल की बात कर लूँ मैं, जवान हो गई, सलार हो गई, डंकी हो गई, और भी मूवीज थी जिन्हें देख के ना न्यूट्रल ऑडियंस खुद एक्साइटेड हो रही थी कि भाई साहब क्या मिलेगा आखिर इन मूवी में, जाके जरूर देखते हैं, लेकिन वो वाला जो है न्यूट्रल ऑडियंस उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं बना पा रही है, वो वाली हाइप नहीं देखने को मिल रही है जैसी हाइप अभी हम देख कर आ चुके हैं। भाई बाकी डाई हार्ट फैन अपनी तरफ से भी फुल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब अगर आपको अपने इस फेवरेट सुपरस्टार की मूवी को बहुत ऊपर उठाना है जैसे सिनेरियो हम पिछले साल देख कर आ चुके हैं, तो भाई सिर्फ इतने से नहीं होगा, और भी ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा। बिग ग्रैंड लेवल पर प्रमोशन पूजा एंटरटेनमेंट हाउस इस बार कर रहा है, ये देख के भाई दिल खुश हो रहा है भाई, और मैं खुद चाहता हूँ यार कि अक्षय कुमार की ये मूवी वैसा नाम कमा के जाए, क्योंकि भाई ये बंदा काफी लंबे टाइम से सर्वाइव कर रहा है कि वो वाली सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर वाली हाइप देखने को मिल जाए। बाकी मूवी की डेट भी अनाउंस कर दी गई कि 10th अप्रैल को मूवी हमें थिएटर हाउस में देखने को मिल जाएगी, और कौन कितना एक्साइटेड है भाई साहब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना, और भी तुम्हारे हिसाब से क्या हो सकता है कि और भी क्या चेंजेस इसमें कर सकते हैं, और भी क्या एफर्ट इसमें मार सकते हैं, ट्रेलर के लिए कितना इंतजार है, तो इसका मतलब वीडियो आपको पसंद आई है, और पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय।